हाल ही में नागरिकता कानून में संशोधन हुए, नए नागरिकता कानून के विरुद्ध एवं एनआरसी के विरुद्ध और एनआरपी के विरुद्ध पूरे देश व्यापी आंदोलन इस वक्त चल रहा है। एमआईएम ने भी 19वीं तारीख को किशनगंज जिला में जिला स्तरीय अपने एक जलसे का एहतमाम किया था, और लेकिन हुआ यह है कि इस मौके से वाम दल के लोगों ने हमारे उसके ट्रेड यूनियन ने पूरे हिंदुस्तान में उस दिन बंद का आयोजन किया है। बंद प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उन लोगों ने हम लोगों से गुजारिश भी की है, इसलिए एमआईएम बिहार ने यह फैसला किया है कि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ हमारी इकाई है वहाँ पर वाम दल के जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बंदी की गई है उसका हम समर्थन करेंगे, और किशनगंज के प्रोग्राम को जो रखा गया था उस दिन प्रदर्शन का प्रोग्राम उसको मुलतवी किया जाता है, आगे की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान किया जाएगा। साथ ही मैं पूरे उन तमाम तौर लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं जो इस वक्त मोदी जी के इस काले कानून की मुखालिफत कर रहे हैं, अपने अपने गाँव बस्ती मोहल्ले बाजार और शहरों में आप मुजाहरा करें, पूरा अमन मुजाहरा करें, लोगों को बताएं कि इस वक्त जो नागरिकता कानून बना है, जो पहले आप जिसको कैब के नाम से जानते थे सिटीजन अमेंडमेंट बिल, अब वो कैब नहीं है बल्कि सीएए हो गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, उस एक्ट की जानकारी दें और ये भी बताएं कि ये एक्ट एक काला कानून है और हिंदुस्तान की जो का जो आईन है हिंदुस्तान के आईन के सेकुलर रूप से बिल्कुल मुनाफी है। हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपनी अपनी जगहों पर बेदारी की भी मुहिम चलाएं और तहरीक चलाएं इसकी मुखालिफत में। साथ ही इस बात को दोबारा हमारी तरफ से माजरत के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि 19वीं तारीख के लिए जिन जिन अहबाब को खबर मिली थी वो सुन लें कि 19वीं तारीख को अब हमारा जलसा नहीं होने जा रहा है और हम लोग उस दिन ट्रेड यूनियन का समर्थन करने जा रहे हैं बंदी पर, और आगे की तारीख का ऐलान इंशाअल्लाह अज़ीज़ 19वीं तारीख की शाम तक कर दिया जाएगा।